दोस्तों, अगर आप घर में हो और आपको रेस्टोरेंट जैसा चिकन खाने का मन कर रहा है तो ये रेसिपी आपके लिए है। आज मैं बनाने जा रहा हूँ दही वाला चिकन, जो बनाने में बहुत ही आसान और खाने में उतना ही टेस्टी है। दोस्तों, मैं हूँ गौरव और स्वागत है आपका गौरव किचन में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन में हम 4 टेबलस्पून ऑयल डाल लेते हैं और साथ में 4 टेबलस्पून घी डाल लेते हैं। आप चाहो तो इसमें पूरा घी डाल लो। ऑयल गरम हो चुका है तो अब इसमें कुछ हम खड़े मसाले डालते हैं। सबसे पहले 1 टेबलस्पून जीरा, 8-10 काली मिर्च, 2-3 तेज पत्ता, 4-5 लौंग। अब इसे हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। अब इसमें हम 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देते हैं और इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं ताकि अदरक और लहसुन का जो कच्चापन है वो टेस्ट में ना आए। अब इसमें हम 3 मीडियम साइज के प्याज डाल लेते हैं और प्याज को हम सॉफ्ट कर लेते हैं। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून नमक डाल देते हैं और 3 हरी मिर्चों को डाल के हम इसे एक बार चला लेते हैं और इसे हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। अब इसमें हम 3 मीडियम साइज के टमाटर डाल लेते हैं और साथ में इसमें हम 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल लेते हैं और इसे हम मिक्स करके ढक लेते हैं 2-3 मिनट के लिए। 2-3 मिनट बाद हम ढक्कन हटा लेते हैं और ये देखो आप टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। यहाँ मैंने 1 केजी चिकन को अच्छे से वॉश कर लिया है। तो चलिए अब इसमें हम चिकन डाल देते हैं। अब इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे। 5 मिनट अच्छे से फ्राई करने के बाद अब हम फ्लेम को लो कर लेते हैं और इसमें दही डाल देते हैं 300 ग्राम और इसे हम फटाफट मिक्स कर लेते हैं। 2-3 मिनट बाद इसमें एक उबाल आ चुका है तो अब हम इसमें हरी धनिया डाल देते हैं। अब इसमें मैं 1/2 कॉफी कप पानी ऐड कर रहा हूँ और साथ में इसमें 1/2 टेबलस्पून नमक डाल लेते हैं और एक उबाल आने पर हम इसे ढक लेते हैं जब तक चिकन अच्छे से कुक ना हो जाए। 20-25 मिनट बाद हम ढक्कन हटा लेते हैं और ये देखो आप ऑयल सरफेस पे आ चुका है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसमें कुछ मसाले डाल लेते हैं। 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर। अब इसमें मैं 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी डाल रहा हूँ क्रश करके और लास्ट में 1 टेबलस्पून गरम मसाला। आप गरम मसाला लास्ट में ही डालें ताकि ये जले ना और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब इसे हम मिक्स करके ढक लेते हैं 2 मिनट के लिए। 2 मिनट बाद हम ढक्कन हटा लेते हैं और ये देखो आप आपका दही वाला चिकन बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। अब इसे हम थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं और इसमें हरी धनिया डाल देते हैं। ये देखो आप चिकन का कलर और इसकी ग्रेवी है ना सुपर टेस्टी। आप इसे रोटी, नान, राइस कैसे भी खाओ ये बहुत टेस्टी बना है। दही वाला चिकन आप घर पे बहुत आसानी से बना सकते हैं, बस आप इस रेसिपी को फॉलो करते जाइए। दोस्तों, आप यकीन करो ये दिखने में जितना ज्यादा टेस्टी है उससे कहीं ज्यादा खाने में है। दोस्तों, ये देखो आप ये कितना डिलीशियस बना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और चैनल पे अगर नए हो तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आप इस वीडियो पे कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आप अगली रेसिपी कौन सी देखना चाहते हैं। जल्दी मिलते हैं एक नई और यूनिक रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।